मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बच्चों आज मैं आपको क्लास की हिंदी का पार नजर के भाग में पढ़ाऊंगी। बच्चों अभी तक मैंने आपको रीडिंग करवाई, अब आप जो पाठ में कठिन शब्द आएंगे थोड़ा उनको देख लीजिए। सप्त अर्थ सुरंग नुमा सुरंग गुफा जैसा सिक्योरिटी सुरक्षा वार्तालाप बातचीत प्रशिक्षण ट्रेनिंग उष्णता गर्मी यान एक प्रकार का वाहन यांत्रिक यंत्र से चलने वाला। तो बच्चों अभी तक मैंने आपको जो रीडिंग कराई उसके आधार पर मैं आपको थोड़ा सा इस पाठ का सार समझाना चाहती हूँ कि जैन विष्णु नार्लिकर जी ने जो यह लेख लिखा है वह कहानी में मंगल ग्रह के रहस्यमय जीवन के बारे में बताते हैं। जैसे कि मैंने आपको रीडिंग में भी बीच में भी समझाया किस तरह से छोटू नाम का एक बच्चा जहाँ उसके पापा जॉब करते थे वहाँ पर जाना चाहता था, वो एक सुरंग नुमा रास्ता था और वहाँ पर जाना चाहता था लेकिन वह जा नहीं पा रहा था। लेकिन उसके पापा सोए हुए थे और उसने उनका सिक्योरिटी पास चुरा लिया और उसमें जाने की कोशिश करने लगा कोशिश की। वह बच्चों जब सुबह चल दिया और उसके पापा वह उससे सोचा कि मैं उस जो सुरंग नुमा रास्ता जो है नज़र बचा कर वहाँ चला गया और जो जमीन के नीचे जो कॉलोनी बसी हुई थी उसमें जाने की कोशिश करने लगा। और इसमें जाने के लिए उसने खांचे जब सुरंग में चला गया तो उसमें जाने के लिए उसने खांचे में एक कार डाला और कार में जाने के बाद उसका दरवाजा अपने आप खुल गया। और दरवाजा खुलने के बाद निरीक्षक ने जो यंत्र लगे हुए थे जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे वह उसको निगरानी करने लगे और उनमें से कुछ निरीक्षक यंत्रों ने उसकी फोटो भी खींची और इसकी जो खतरे की सूचना जो है दूसरे केंद्र को दे दी। और जो किस प्रकार छोटू जो है पकड़ा गया उसको जिज्ञासा थी बच्चों कि मैं वहाँ सुरंग नुमा रास्ते में जाऊँ और देखूँ अंदर क्या क्या है। और उसके पापा फिर उस पापा को जैसे ही सूचना उसको पकड़ के लाया गया पापा को सूचना मिली तो पापा ने उसे समझाया कि बेटा तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए था, तुमको वहाँ बहुत बड़ा खतरा है। हम जब वहाँ जाते हैं तो स्पेशल एक स्पेस सूट पहनकर जाते हैं जिससे हमें ऑक्सीजन मिलती है और ऐसे जूते हमने पहने हुए रहते हैं कि जिसको हमको जमीन के ऊपर चलने में मदद मिलती है। और बच्चों इस तरह से उनको उसके लिए विशेष ट्रेनिंग मतलब प्रशिक्षण भी दिया जाता है। और इस तरह से कि छोटों के पापा ने उसे समझाया कि किस तरह से मंगल ग्रह पर जीवन व सूर्य में आए परिवर्तन का प्रभाव किस तरह से हुआ। मंगल ग्रह पर सभी लोग पहले जमीन पर ही रहते थे उसके पापा ने पहले बताया और धीरे धीरे परिवर्तन के कारण जो है बच्चों धीरे धीरे जो वातावरण में परिवर्तन होने लगा उससे सभी जीव मरने लगे। और उसके बाद क्या हुआ बच्चों कि सूरज में आए परिवर्तन से प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया, उससे सभी जीव जंतु मर गए, केवल हमारे पूर्वजों ने इस स्थिति का सामना किया। और उसके बाद उन्होंने बताया कि हम इन यंत्रों के सहारे से ही जमीन के नीचे जी रहे, सूर्य का ताप उष्णता गर्मी सब हमें इन यंत्रों के माध्यम से ही हमें मिल रही है। और इस प्रकार बच्चों फिर जब वो अपने ऑफिस में वापस लौट के गए तो देखा उन्होंने टीवी की स्क्रीन पे कंप्यूटर की स्क्रीन पर कि एक अंतरिक्षयान का उन्होंने आना देखा कि किस तरह से आ रहा है। और उसके पापा जब उन्होंने टीवी स्क्रीन पर देखा कि एक छोटा सा बिंदु दिखाई दे रहा था और उस बिंदु को उन्हें लगा कि एक तार उनके साथी ने बताया शायद एक तारा है, लेकिन बहुत जब उन्होंने उसको ध्यान से देखा तो उन्हें लगा यह तारा भी नहीं है या धीरे धीरे हमारी पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है। और फिर उन्होंने उसको उस पर मतलब कोशिश की कि हम किस तरह से इसके बारे में जान पाएं और उन्होंने देखा कि एक धीरे धीरे करके जो अंतरिक्ष यान था वो हमारी पृथ्वी की तरफ बढ़ के आ रहा था। और उन्होंने देखा कि अंतरिक्ष यान में से एक हाथ जो है बाहर निकल रहा है और वो हाथ लंबा उसकी लंबाई जो है बढ़ती जा रही है। और उन्होंने जो कॉलोनी के विशेष जो प्रबंधक लोग थे सभी ने विचार विमर्श किया और उन्होंने कहा कि जो बताया कि दो अंतरिक्षयान हमारे मंगल ग्रह की ओर बढ़ते हुए चले जा रहे हैं और कंप्यूटर के अनुसार अंतरिक्षयान किसी नज़दीकी ग्रह से छोड़े गए हैं। कॉलोनी की सुरक्षा के मतलब इनके अलग अलग भाग बटे हुए थे जिससे नंबर वन एक ग्रुप था, नंबर टू था, नंबर थ्री था। इन सब ने बताया पहले वाले ग्रुप ने बताया कि हम इसको जलाकर नष्ट कर सकते हैं पर इससे हमें कोई जानकारी नहीं मिलेगी कि हमारी पृथ्वी की ओर क्यों बढ़ रहा है, लेकिन इससे हमारी कोई जानकारी नहीं मिलेगी। और फिर इन अंतरिक्षयानों में से कोई जीव नहीं है, सिर्फ क्या है उन्होंने सोचा कि पहले कोई जीव होगा लेकिन वो जीव नहीं है, उसमें केवल एक यंत्र है। उसमें नंबर दो एक वैज्ञानिक थे, जो दूसरा ग्रुप था वो एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा कि इन यानों को देखते रहना चाहिए जहाँ तक हो सके अपने अस्तित्व का इन्हें हमें पता नहीं चलने देना चाहिए और यहाँ हमें प्रबंध करने चाहिए कि इन यंत्रों को यह लगे कि जमीन पर कोई महत्वपूर्ण चीज नहीं है। तो बच्चों इस तरह से ये तीनों ग्रुप मिलकर के आपस में सलाह मशवरा कर रहे थे। और फिर धीरे धीरे क्या हुआ बच्चों कि एक छोटों की सामाजिक व्यवस्था का काम करने वाले नंबर
3 ने सूचना दी कि अंतरिक्ष क्रमांक हमारे जमीन पर उतर चुका है और छोटू के पापा ने छोटू को एक कंसोल दिखाया बच्चों, और बाद में कंसोल उस पर कई प्रकार के बटन लगे हुए थे और अंतरिक्षयान का एक हाथ का खराब होना इस तरह से होता है, एक हाथ उसका खराब हो जाता है जो अब अंतरिक्षयान में एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला और वह जमीन की मिट्टी को उठा करके ऊपर ले जा रहा था। लेकिन छोटू ने क्या किया, कंसोल जो बटन लगे हुए थे कंसोल पर उसको दबा दिया और उसे उसका जो हाथ था यांत्रिक हाथ था वो एकदम खराब हो गया। और फिर जो नासा द्वारा अंतरिक्षयान का ठीक जो नासा जो वैज्ञानिक थे उनके द्वारा भी उसका अंतरिक्षयान का पूरा निष्कर्ष निकलता है कि जो ये नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा ने यह घोषणा की कि जो मंगल से मंगल की धरती पर उतरा अंतरिक्षयान था वो वाइकिंग अपना निर्धारित कार्य कर रहा था, वो हमारे लिए कोई खतरे का विषय नहीं था, वो अपना निर्धारित कार्य कर रहा था और जिसका एक यांत्रिक हाथ खराब हो गया उसको भी ठीक कर दिया गया है और ठीक इसे प्रयास किए और आगे भी प्रयास किए जा रहे हैं कि किसी को इस तरह की कोई गलत फहमी ना हो। अगले दिन समाचारों में छप गया कि वाइकिंग को दुरुस्त कर दिया गया है, यानी कि जो उसका हाथ था वो दुरुस्त कर दिया गया है और कोई डर की कोई बात नहीं थी। इससे मिट्टी से उसने नमूने इकट्ठे करने के लिए फिर से जो मिट्टी के नमूने इकट्ठे कर जो उसका हाथ बढ़ रहा था उसके लिए उसने मिट्टी के नमूने इकट्ठे करने का काम फिर से शुरू कर दिया है। तो बच्चों इस लेख से हमें यही शिक्षा मिलती है, पहले तो हमें इसे मंगल ग्रह पर जी रहे अस्तित्व के बारे में जीने के बारे में जानकारी मिली किस तरह से इन लोगों का जीवन है, लेकिन बिना सोचे समझे जैसे छोटू बिना सोचे समझे वहाँ चला गया था सुरंग में, तो वो उससे उसके जीवन उसका मृत्यु भी हो सकती थी। तो हमें कोई भी कार्य सोचे समझे बिना नहीं करना चाहिए, पहले उसकी जानकारी होनी चाहिए और उसके बाद ही हमें अपने कार्य की ओर बढ़ना चाहिए।